में नकली मसाला बनाने वाली दो फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी मसालों की जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये फर्जी मसाले अलग अलग कंपनियों के नाम से बेचे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम ने बताया कि इन फैक्ट्रियों में सड़े हुए चावल और लकड़ियों के बुरादे और केमिकल की मिलावट से मसाले बनाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेशन मिली कि नकली और मिलावटी मसाले इसके बाजार में बेचे जा रहे हैं। रावल नगर दिल्ली में हमने दो चक्कियों पे रेड करी और उसमें हल्दी में वो पिसा हुआ चावल, सिट्रिक एसिड, नकली कलर और मसाले में बुरादा और सफ़ेदे के पत्ते, वो मिलावटी काफ़ी हजारों किलो की मात्रा में हमने पकड़े हैं। और ये सभी मसाले ये खारी बावली और सदर बाजार के एरिया में बोरियों में भर भर के वहाँ के व्यापारियों को ये दूध देते थे। उसके आगे गहन जांच कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर की माने तो इन मसालों को इस्तेमाल करने से फूड पॉइजनिंग और अन्य प्रकार की बीमारी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक आरोपी इन मसालों को दुकानदार को सस्ते में ये बोलकर बेचते थे कि इससे खाने में स्वाद दोगुना हो जाएगा। आपको बता दें, आरोपी इन मसालों की सप्लाई दिल्ली NCR में सदर बाजार और अन्य बड़े बड़े बाजारों में करते थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर करीब 15 टन मिलावटी मसाला बरामद किया और साथ ही 3 आरोपियों को भी अपनी गिरफ्त में लेकर केस दर्ज कर लिया है। वहीं जानकारी मिलने के बाद फूड डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पर पहुंची और नकली मसालों का सैंपल लिया। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान करावल नगर के ही दिलीप सिंह और बंटी उम्र 46 साल बताई जा रही है और दूसरा आरोपी मुस्तफाबाद का सरफराज उम्र 32 साल और तीसरा आरोपी लोनी का कुर्सिद मलिक उम्र 42 साल के रूप में हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और कुछ क्या नए बड़े खुलासे होते हैं।